हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब मस्त और मजे में? दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए विला का ऑप्शन लेके आया हूँ। ये बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, ये दो विला है, ये आपके 194 गज के प्लॉट के ऊपर बने हुए हैं। इनके सामने बिल्कुल पार्क है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन्हीं विला के बारे में बात करेंगे। इसकी लोकेशन क्या है, प्राइस क्या है, इसके अंदर कौन सी आपको फैसिलिटी देखने को मिलेंगी, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो चीज़ें समझ नहीं आती है। दोस्तों, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, अगर आप कहीं भी कोई प्रोजेक्ट देखने जाते हैं तो उसके साथ में मान के चलिए आपको 2 घंटे जाने में भी लगेंगे, 2 घंटे आने में भी लगेंगे, आप वहाँ पर समझेंगे भी तो आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो 8-10 मिनट की वीडियो है जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल सामने आप विला देख सकते हैं। इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो NH-24 पे सन सिटी के नाम से एक टाउनशिप है, ये इसी के अंदर है। दोस्तों, सन सिटी का पोजीशन काफ़ी लेट था, बट अभी जो आप विला देख रहे हैं इनका पोजीशन आपको जल्दी मिल जाएगा, काफ़ी हद तक काम हो चुके हैं यहाँ पे, तो इसलिए ही मैं आज आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये विला के बाहर आपको रैंप मिल जाता है, आप लोग चाहो तो नॉर्मल यहाँ पे भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और बिल्कुल सामने भी आपको स्पेस मिल जाता है अच्छा खासा, आप यहाँ पे भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहो तो इस तरफ भी पार्किंग वगैरह लगा सकते हैं, या आप फ्रंट कोर्टयार्ड को जिस तरह से चाहे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल वेव सिटी के साथ में पड़ती है सन सिटी। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ NH-24 पे, जैसे वेव सिटी को आप क्रॉस करेंगे तो आगे आपकी सन सिटी आती है। दोस्तों, ये एंट्रेंस गेट रहेगा विला का, और ये यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है इसके अंदर। दोस्तों, ये आपका ड्राइंग एरिया आ जाता है। ड्राइंग एरिया के अंदर अगर हम बात करें तो बिल्कुल फ्रंट पे आपको अच्छी ग्लास विंडो लगी हुई है, जो गेट वगैरह उनका क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं साइज की बात करूँ ड्राइंग एरिया की, तो ये आपका लगभग 14.25x14.5 का है। इसके साथ में यहाँ पे आपको एक पाउडर रूम मिल जाता है, या आप इसको वॉशरूम बोल सकते हैं छोटा, तो ये आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके साथ में यहाँ पे आपको डाइनिंग अलग से मिल जाता है। डाइनिंग एरिया की अगर मैं बात करूँ तो ये भी लगभग इसी साइज़ का है, आपका 14.25x14 के साइज़ का। बिल्कुल सामने आपको किचन देखने को मिलती है। दोस्तों, तो आपको मॉड्यूलर किचन बना के दी जाएगी, ऊपर आप जैसे देख सकते हैं फॉल सीलिंग वगैरह काम हो के आपको मिलता है। किचन का साइज आपका 13.5x12 फिट के आसपास का है, तो बहुत ही अच्छी शानदार किचन है, और ये यहाँ से आपका फर्स्ट फ्लोर के लिए एंट्री रहेगी। दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर पे अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया ड्राइंग डाइनिंग है, इसके अलावा एक पाउडर रूम है, किचन है, और ये आपका एक बेडरूम रहता है। इसको आप चाहो तो एज ए गेस्ट बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं, या खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बेडरूम का साइज बहुत अच्छा है, ये बेडरूम आपका 11.25x20 फिट के आसपास का बेडरूम है। इसके साथ में ये आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है, वॉशरूम का साइज भी बहुत अच्छा है, 9.25x12 फिट का वॉशरूम आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, ये आपका बैक कोर्टयार्ड आता है, ये भी काफ़ी अच्छे साइज़ में आपको देखने को मिलेगा, और ये पीछे सन सिटी में जैसा मैंने आपको बताया अभी आपके पोजीशन होने हैं, तो ये वो है। बैक कोर्टयार्ड का साइज़ आपका 10.5x17 के आसपास का है। दोस्तों, ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये आपका इस तरह से ड्राइंग डाइनिंग, और ये फिर आपकी सीढ़ियाँ फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए आपको मिल जाती है। यहाँ से पीछे से आपका बैक कोर्टयार्ड का रास्ता रहेगा। दोस्तों, जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और अगर दोस्तों आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आपको लिविंग एरिया मिल जाता है। दोस्तों, अगर मैं इस एरिया की बात करूँ तो ये आपका 10.5x20 फिट का एरिया है, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। और दोस्तों, ये बिल्कुल सामने की तरफ अगर मैं बात करूं तो ये एक बेडरूम आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये आप सेकंड बेडरूम इसको बोल सकते हैं। अगर दोस्तों इस बेडरूम के साइज़ की मैं बात करूं तो ये आपका 13.5x18 फिट के आसपास का बेडरूम आता है। इस बेडरूम में आप बैठ के अपनी चाय कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपका ग्लास लगा हुआ है, बिल्कुल सामने आपको पार्क का व्यू मिलेगा। दोस्तों, ये जो भी आपके विला है, ये सारे के सारे आपको पार्क फेसिंग विला मिल जाता है। ये यहाँ पे आपका ओपन टेरिस मिल जाता है, या आप इसको बालकनी बोल सकते हैं। दोस्तों, ये भी अच्छे साइज़ का आपको मिलता है, यहाँ पे आपका 9.5x14 फिट का साइज़ आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर पे अगर हम आगे बढ़े तो ये बिल्कुल सामने आपको एक वॉशरूम मिल जाएगा, ये कॉमन वॉशरूम है, आप लोग चाहे तो बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये भी आपका 8.25x14 फिट का वॉशरूम रहेगा, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं फुल सीलिंग वगैरह इसमें भी आपको कंप्लीट होकर मिलेगी। इधर सामने आपका पोर्ट एरिया है, और इधर आपका शावर एरिया है। इसके अलावा वॉश बेसिन वगैरह आपको अलग से मिलते हैं।
दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे ही आपको दो अलग से स्पेस मिल जाएंगे, ये कि आप ही देख रहे हैं, ये आप चाहो तो स्टोर रूम की तरह यूज कर सकते हैं। इसके अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 5.5x6.5 का साइज़ है। साथ में आपका पूजा रूम आ जाता है 8.25x6 के आसपास का। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो ये आपका सेकंड बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर पे, जो हमारा थर्ड बेडरूम रहेगा, एक नीचे था दो ऊपर। ये आपका 11.25x20 का बेडरूम रहेगा, जिस तरह से आपने नीचे देखा था। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका टॉयलेट आ जाता है, ये अगर इसकी साइज़ की मैं बात करूँ तो 9.25x12 के आसपास का ये आपका वॉशरूम रहेगा। ये भी काफ़ी शानदार वॉशरूम दिया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें तो इस विला के अंदर आपको किसी भी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, रूम साइज़ वगैरह बहुत बढ़िया है। और ये फिर आपकी यहाँ पे इस रूम के साथ में अटैच बालकनी आ जाती है, जो आपकी 5 फीट चौड़ी बालकनी रहती है। ये पीछे से कुछ इस तरह से आपका व्यू दिखाई देगा, जो पीछे की तरफ हमारे फ्लैट्स बने हुए हैं वो भी लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये 3 फ्लोर वाले आपके सन सिटी के अंदर रॉयल कैसल के नाम से फ्लैट्स हैं, तो इनका भी अभी जल्दी में ही पजेशन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जल्दी ही लोग रहने शुरू हो जाएंगे, तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है और रहने के हिसाब से भी अच्छा है। अगर आप लोग देख रहे हैं इसका प्राइस भी काफ़ी अच्छा है, आगे हम इसके प्राइस के बारे में भी बात करेंगे। चलिए दोस्तों अब ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड फ्लोर के बारे में। जिस तरह से आपने फर्स्ट फ्लोर पर देखा था, इसी तरह से आप जब सेकेंड फ्लोर पर ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको सामने आपका फैमिली लॉन्ज दिखाई देगा। आप फैमिली लॉन्ज के अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 10.25x17 के आसपास का आपका साइज़ रहेगा। दोस्तों यहीं पर अगर हम सामने आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको ओपन टेरिस मिल जाता है, काफ़ी अच्छा टेरिस एरिया है। ये आपका लगभग 29.25x18 के आसपास का यहाँ पे आपको एक ओपन स्पेस मिल जाता है। देखिए काफ़ी अच्छा ओपन स्पेस है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे सारा का सारा काम किया जा रहा है। दोस्तों अगर पर्सनली बात करूँ तो मुझे पसंद आया विला, बिल्कुल सामने आपका पार्क है तो काफ़ी अच्छे विला देखने में लगते हैं। दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे ये आपका किड्स रूम मिल जाता है, ये आपका 9.25x7 के आसपास का है। आप लोग चाहो तो सर्वेंट रूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये इसके साथ में आपको एक वॉशरूम दिया हुआ है अटैच। दोस्तों फिर इसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक बेडरूम आपका जो फोर्थ बेडरूम है वो सेकंड फ्लोर पे दिया हुआ है। अगर दोस्तों मैं इस बेडरूम के साइज़ की बात करूं तो ये आपका 15.5x11 के आसपास का बेडरूम रहता है। दोस्तों इसके साथ में भी आपको फुल सीलिंग वगैरह का पूरा काम होके मिलेगा, और साथ में ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका अटैच वॉशरूम आ जाता है, जो 6.25x11 के आसपास का साइज़ है। तो काफ़ी अच्छा साइज़ है इस वॉशरूम का भी। दोस्तों सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे आपको जो विला मिलेगा वो पूरा का पूरा काम होके मिलेगा, सिर्फ आपको अपने बेड वगैरह लाने हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको बना के दी जा रही है, फुल सीलिंग वगैरह का सारा काम करके दिया जा रहा है। और दोस्तों अगर पीछे के टेरिस की बात करें तो ओपन टेरिस पीछे की तरफ भी आपका 16.5x9 का रहेगा। तो इसमें आपको कुछ भी ये नहीं कि अपने से काम कराना होगा, तो सारी चीज़ें आपको बिल्डर कंप्लीट करके देगा। दोस्तों अब यहाँ पे मैं लेआउट अपडेट कर देता हूँ, ये दो विला एक साथ बने हुए हैं तो दोनों का लेआउट है ग्राउंड फ्लोर का, आप लोग चाहो तो पहुँच करके अच्छे से इसको देख सकते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद जो हमारा लेआउट आता है ये फर्स्ट फ्लोर का लेआउट है, इसमें सारे के सारे साइज़ वगैरह मेंशन है। फिर इसके बाद दोस्तों अब हमारा सेकेंड फ्लोर आता है तो ये आपका सेकेंड फ्लोर का लेआउट रहता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्राइस की कि आपको प्राइस क्या देना होता है इस विला के लिए। दोस्तों अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो जो डिमांड है BSP यानी बेसिक सेल्स प्राइस वो है 1,29,00,000 रुपये। इसके अलावा दोस्तों आपके पजेशन चार्ज या एडिशनल चार्ज जो है वो 4,50,000 के आसपास रहते हैं, तो मोटा मोटा आप मान के चलिए 1,33,50,000 रुपये की डिमांड है, जो आपके ऑन टेबल नेगोशिएबल है। और ये दोस्तों साथ में इसका पेमेंट प्लान है, 10% बुकिंग पे देना होता है, फिर एलिवेशन पे 20%, आप लोग फिर आपके ग्राउंड फ्लोर पे 20%, सेकंड फ्लोर पे 20%, फिनिशिंग पे 20%, 10% ऑन पोजेशन। तो ये आप लोग अच्छे से एक बार पोज करके देख लीजिए। और दोस्तों आप लोगों को ये विला कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अगर पसंद ना आई हो वीडियो तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, तब भी नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, राम राम, नमस्कार दोस्तों।